एंथुरियम प्लांट्स अपने स्ट्राइकिंग हार्ट शेप फूल और ग्लॉसी डार्क ग्रीन लीव्स की वजह से इंडोर और ट्रॉपिकल गार्डन्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। एंथुरियम को फ्लैमिंगो फ्लावर और पेंटर पैलेट के नाम से भी जाना जाता है। एंथुरियम अपने लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स की वजह से काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इसके फ्लावर्स उचित देखभाल के साथ कई हफ्तों या महीनों तक खिले रह सकते हैं। अगर आप इस ब्यूटीफुल प्लांट को आपके इंडोर प्लांट कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो एंथुरियम के कुछ बेसिक केयर पर ध्यान रखा जाए तो ये ब्यूटीफुल प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो होता है। स्वागत है आपका नेचर कॉर्ड में। तो चलिए देखते हैं एंथुरियम के लिए कुछ बेसिक ग्रो एंड केयर टिप्स। लाइट, एंथुरियम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, क्योंकि इससे पत्तियां झुलस सकती है। सप्ताह में एक दो घंटे मॉर्निंग या इवनिंग सनलाइट दे सकते हैं, क्योंकि कौन से भी फ्लावरिंग प्लांट को या फॉलेज प्लांट को थोड़ी बहुत धूप की जरूरत होती है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एंथुरियम्स 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में और हाई ह्यूमिडिटी लेवल में अच्छे ग्रो होते हैं, इसलिए वातावरण वार्म और ह्यूमिड बनाए रखें। सॉइल, एंथुरियम को लगाने के लिए वेल ड्रेनिंग यानी अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और कोकोपीट का मिश्रण बनाकर पॉटिंग करें। इसके लिए मिट्टी और कोकोपीट बराबर मात्रा में लें। हेवी मिट्टी जिसमें बहुत अधिक पानी जमा हो सकता है, ऐसी सॉइल में एंथुरियम लगाना अवॉइड करें। वाटरिंग, सॉइल को लगातार नम रखें, लेकिन पॉट में हमेशा पानी भरा नहीं रहना चाहिए। हमेशा ड्रेनिंग होल वाले पॉट्स में ही प्लांट लगाएं। जब मिट्टी का ऊपरी इंच छूने पर सूखा लगे तब पानी दें। फर्टिलाइजर, एंथुरियम प्लांट के लिए आप गोबर की खाद, बोन मील, वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक इत्यादि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग हर 15 से 20 दिन बाद कर सकते हैं। फर्टिलाइजर देने के लिए मिट्टी का ऊपरी 2-3 इंच डिग करके एक टेबल स्पून फर्टिलाइजर स्प्रेड करके डालें और ऊपर से पानी दें, ताकि फर्टिलाइजर प्लांट के रूट्स तक जा सके। प्रूनिंग, एंथुरियम की नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने और प्लांट को साफ सुथरा रखने के लिए किसी भी पीली पत्ती या डेड लीव्स और मुरझाए फूलों को काट दें। रिपॉटिंग, एंथुरियम को हर 1 या 2 साल में रिपॉट करें, या फिर जब वर्तमान पॉट से प्लांट बड़ा हो जाए तो दोबारा बड़े पॉट में लगाएं, ताकि प्लांट के रूट्स की ग्रोथ के लिए जगह मिल सके। क्लीनिंग, एंथुरियम की पत्तियों पर अक्सर धूल जम जाती है। धूल हटाने और पत्तों को ग्लॉसी बनाए रखने के लिए एक नम कपड़े से धीरे धीरे पोंछें। पेस्ट कंट्रोल, एंथुरियम पर स्पाइडर माइट्स और अफिड जैसे कीटों का प्रादुर्भाव हो सकता है, अगर ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत किसी भी इंसेक्टिसाइडल का स्प्रे करें। टॉक्सिसिटी, एंथुरियम को पालतू जानवरों और बच्चों से दूर रखें, क्योंकि इनका रस निगलने पर त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। तो ये थे ह्यूमिड और वार्म वातावरण में पनपने वाले ट्रॉपिकल प्लांट एंथुरियम के लिए कुछ बेसिक ग्रो एंड केयर टिप्स, जिससे आप आपके एनी इंडोर स्पेस में एक फैंटास्टिक एडिशन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और हमारे नेचर कॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।